हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी परवल की मिठाई की रेसिपी। चलिए तो झटपट से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले देख लेते हैं हम परवल की मिठाई बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हम लेंगे परवल, 250 ग्राम मावा, ये मावा मैंने घर में ही तैयार किया हुआ है, 1 कप नॉर्मल चीनी और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 4 से 5 इलायची पीस के रखी हुई और अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स कटे हुए। सबसे पहले देख लेते हैं हम परवल को कैसे काट के तैयार करेंगे। इसके लिए परवल को लेकर इसके दोनों साइड को काट लेते हैं। इसके बाद चाकू या छीलने की मदद से इसको छील लेंगे। परवल को अच्छे से छील लेने के बाद हम इसके बीच में एक कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद चम्मच या हाथ की मदद से इसमें जो बीज है अंदर वो बाहर निकाल लेते हैं। परवल से बीज निकालने के बाद अब हमारे परवल तैयार है मिठाई बनाने के लिए। इसी तरह से हम सभी परवलों को काट के तैयार कर लेते हैं। इसके बाद गैस में बर्तन रखकर उसमें हम पानी गर्म करेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून खाने का सोडा मिलाएंगे। इससे हमारे परवल अच्छे ग्रीन कलर के हो जाएंगे और हमें आर्टिफिशियली ग्रीन कलर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें परवलों को डाल देंगे। पानी हम इतना लेंगे कि हमारे परवल उसमें अच्छे से डूब जाए। परवल को अब हम ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है, बस थोड़ी ही देर के लिए पकाना है। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन खोल के हम परवलों को निकाल लेंगे। ये देखिए, बेकिंग सोडा देने के कारण हमारे परवल अच्छे ग्रीन कलर के हो गए हैं। परवल को पानी से निकालते समय इसे हल्का दबाते हुए निकालेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसके बाद हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन लेके इसमें 1/2 कप पानी और 1 कप चीनी लिया है। अब गैस ऑन करके हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस मिठाई के लिए 1 तार की चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी को थोड़ी देर पकाने के बाद हम हाथ से चेक करके देख लेंगे कि 1 तार की चाशनी रेडी हुई है या नहीं। यहाँ पर अच्छे से 1 तार बन रहा है। अब यह हमारी चाशनी रेडी है। 1 तार की चाशनी रेडी होने के बाद हम सभी परवल को इसमें डाल लेंगे। परवल को चाशनी के डालने के बाद हम 4 से 5 मिनट के लिए इसे लो टू मीडियम आंच पे पका लेंगे। परवल को 5 मिनट चाशनी में पका लेने के बाद गैस को ऑफ कर लेंगे और परवल को इसी चाशनी में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक परवल हमारे चाशनी में सोक हो रहे हैं, तब तक हम मावा की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए गैस पे एक पैन रखकर उसमें हम मावा लेते हैं। गैस की आंच यहाँ पर हम मीडियम टू लो रखेंगे। पर मैंने घर का बना हुआ मावा ही इस्तेमाल किया है, इसलिए इसे मुझे पकाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपका मावा थोड़ा गीला है तो इसे पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक कि मावा पूरा ड्राई ना हो जाए इसे पकाना है। मावा में हम 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। हमारी चाशनी पहले से ही मीठी है, इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा चीनी ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद इसमें 4 से 5 इलायची पिसी हुई और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। इन सभी चीजों को मावा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी ही देर में हमारी मावा की फिलिंग रेडी है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसके बाद परवल में भरेंगे। परवल को चाशनी में डाले हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चाशनी से निकाल लेंगे। इसके बाद हम चाशनी में डूबे हुए परवलों के बीच में मावा की फिलिंग को भरेंगे। इसे हम हल्के हाथ से करेंगे, जिससे हमारे परवल टूटे ना।
परवल में मावा को भरने के बाद हम इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लगा लेंगे, जिससे कि ये और ज्यादा सुंदर लगेंगे। परवल की मिठाई अब रेडी है। बाकी सब परवल में भी हम इसी तरह से मावा को फिल करके मिठाई तैयार कर लेंगे। लीजिए, बनके तैयार है हमारी परवल की मिठाई। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।